अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो यार फाइनली आज हम लोगों का तीसरा दिन स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, और रात को हम लोग हंजा पहुँच गए थे, और ये यहाँ पे नज़ारे हैं हमारे होटल के सामने, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, ये सामने का आप क्या कह रहे थे शाम? यार ये इलाका पोशो की कहते ने ना आए कर इलाका पोशी वी पॉइंट। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे गर्मियां ते सर्दियां चंदी रहंदा, ठीक है, कोई बर्फ नहीं पिघलदी, कोई मौसम नहीं डिगदा, ठीक है। अच्छा भाजी, तुसी उत्ते जाओगे ना धक्का दवांगा तुहानू पहले। चुप कर बे कुत्ते। तो यार अभी हम लोग उठे हैं, बस 9 बजे उठ गए थे, पता नहीं 8:30-9 बजे। तो अब ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, और ब्रेकफास्ट करके चेंज वगैरह करके फिर आप लोगों से मिलते हैं। Two hours later. तो यार होटल से हम लोग निकल गए थे और नाश्ता वगैरह कर लिया था, और अब हम लोग इधर आ गए हैं अपना, सॉरी हंजा कह रहा हूँ, अताबाद लेक पे आ गए हैं। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है ये भी सारा नज़ारा। आई होप के कैमरे की आँख आप लोगों को उस तरह दिखा दे जिस तरह मैं देख रहा हूँ। बहुत माशाल्लाह खूबसूरत है सारा। अभी यहाँ पर सारी बोटिंग शोटिंग का सीन है, बोटिंग शोटिंग हो रही है। ठंड नहीं है यार बिल्कुल भी, इधर भी वैसी गर्मी है। ये अब नीचे जाकर के बोटिंग शोटिंग का प्रोग्राम बनाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई ये जेट स्की में बैठ गया हूँ मैं, और ये मेरे साथ बैठ गया सरदार है। फोन गिरने का बड़ा खतरा है यार। वो भाई साहब क्या बात, बहुत तो जज्बाती हो जा रही है एक साथ। खतरनाक ही मोड़ ले रहा है भाई, लेनी थी क्यों? अच्छा भाई साहब बहुत मजेदार है यार। स्पीड कर दो। हाँ थोड़ा स्पीड करो। कितना लगे स्पीड? ओ भाई साहब, अरे गिराना नहीं यार, बाकी खैर है, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। एहे रहा नहीं जाता। तुम भी करना हमारे ना चलते हैं आपको करने का, समझ रहे हो? ओए भाई साहब, ओए यार ये मोड़ बड़ा खतरनाक लगता है यार। ओए ओए भाई, ओए अल्लाह, ओए 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 लेवल मोड़ लेवल है यार। सुभान अल्लाह क्या व्यू है सामने यार, माशाल्लाह। मैंने सुना इधर लाखों करोड़ों फोन गिरे पड़े हैं। अभी हाथों को दरमियान में रखे अच्छा चल कर थोड़ा सा मजा आया।
भाईजान जेट स्की कर ली है, सारा आप लोगों ने देख लिया, फुल शुगर लगा है यार, चस आ गई है, मज़ा आ गया जेट स्की करने का, सीधी जोन सी बात है ना। अब यार एक दफ़ा फिर ये व्यू देख लो आप लोग, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है सारा व्यू है माशाल्लाह। अच्छा यार यहाँ पे जो एक चीज़ मुझे पसंद नहीं ना आई ये कि यार यहाँ पे कोई बाजार ही नहीं है, ना हुंजा में ना चलास में भी रुके हैं। अब बंदे ने कोई चीज़ लेनी हो तो बंदा क्या करे, इतनी दूर बंदा आया तो कुछ तो बंदा आके लेता है ना। यहाँ पे कोई बाजार बजूर वाला सिस्टम ही नहीं है। अब यहाँ पे भी हम आए हैं अहमदाबाद में, यहाँ पे भी खाने पीने का सिस्टम है, बाजार कोई है ही नहीं, दुकान चुकान कुछ पूछा मैंने कुछ। यार ये एक शॉप मिली है यहाँ पे, हसन भाई से थोड़ी सी शॉपिंग कर लिया। हसन भाई क्या हाल चाल आपका, ठीक है? मैं ठीक ठाक हूँ सर, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। और यार यहाँ पे कोई बाजार बजूर क्यों नहीं है खास, ना हुंजा में है ना इधर है, इधर भी एक आपकी शॉप मुझे कुछ सही लगी है तो मैं अंदर आया, तो यहाँ से कुछ चीज़ें चूज़ें ले ली हैं। अब मरी वगैरह हम जाएँ, नारायण जाएँ और वहाँ पे तो अन्य वह बाजार है, यहाँ पे क्यों नहीं है कुछ इस तरह का सिस्टम? यहाँ पे इसलिए नहीं है ना, हाँ बाजार तो है छोटा सा बाजार। और यार क्या काम की कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पे, कोई बंदा चॉकलेट वगैरह लेता है, कोई बंदा कोई इस तरह की चीज़ें लेता है ना, दुकान है ना, तो वो तो वही है, फिजूल चीज़ें हैं। और यार अल्लाह के बंदा घर वालों के लिए जाने के लिए बंदा कोई इस तरह की चीज़ें लेता है ना। भाई साहब कह रहे हैं, हसन भाई कह रहे हैं, तो एक विजिट मार के देख लेते हैं जिस तरह इनसे चीज़ें ली हैं। और ड्राई फ्रूट तो यार लाहौर में मौसम नहीं है ना ड्राई फ्रूट खाने का, लाहौर में तो आपको पता गर्मी कितनी है, नहीं तो मैं ड्राई फ्रूट ले लेता। ओके हसन भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। 2 hours later. ले भाई पासू कौन सा, हम लोग पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ही नज़ारा है यहाँ से यार, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, सुकून वाली जगह बिल्कुल। ये सारा ये भी पहाड़ी सिलसिले हैं कोई, इनका भी पता नहीं, वो साथ साथ बता तो रहे थे लेकिन अब याद नहीं कौन से हैं ये, लेकिन ये जगह जो है यहाँ आ गए हैं पासू कौन से, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है यार। और खैर गर्मी है, इतनी कोई खास ठंड नहीं है, वो वहाँ पे ग्रुप फोटो हो रही है सबकी, तो जाके तस्वीर वगैरह लेते हैं। 1 hour later. लो भाई ये रेनबो ब्रिज पे हम लोग आ गए हैं, मैं बड़ा ये हिलता है क्रॉस करते हुए, तो अभी इसको क्रॉस करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं, व्यू देखें आप लोग यहाँ से, माशाल्लाह यहाँ पे व्यू ही हैं बस सारे के सारे, ये साथ इधर नीचे दरिया इसको कहेंगे कि झील कहेंगे कि नहर कहेंगे, अगर जो भी कहेंगे वो साथ साथ बह रही है। ओ भाई ये लोग तो डर के रुक गए हैं, मैं तो जाने लगा हूँ। हाँ तू क्रॉस करके आ गया डोरेमोन, मैं तो इसको क्रॉस करने के लिए कुछ भी नहीं है यार, कुछ तो है ये नहीं कह सकते कुछ भी नहीं है, ओए भैंस की दूंगी ये तो यार, ये देखो ना डर लग रहा है यार। बिलाल भैया ऐसा, अबे यार यार इन लोगों के काम देख, वो देखो यार उधर से जान जान के लाए, क्या हो गया अल्लाह के बंदे, आ जाओ ब्लॉग। अच्छा बिलाल भैया जैसी बस चलाते यहाँ भी वैसे ही, ना 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 कैप्टन इजी हो जाओ भाई, बड़ा ये तो सीन खतरनाक है यार। तो व्लॉगर को डर नहीं लगता, चलो ना डर लग रहा है तो बहुत ज्यादा, तो बाकी वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, अल्लाह ताला बचा नहीं बस बाकी। तो भाई साहब क्रॉस कर लिया फाइनली, और हाथ पाँव हर चीज़ कांप रही है जो इसको क्रॉस करते करते, यार ये जितना आसान लगता है ना देखने में ये 1% भी आसान नहीं है। ऊपर से ये सारे लड़के ऐसे चवल हैं, ये इतनी ज़ोर ज़ोर से हिलाने लग गए थे जिसका कोई हिसाब नहीं, और जगह भी इतनी उसमें स्पेस है एक उससे दूसरे उस तक के, तो नीचे गिरने का अलग, मैंने तो फोन जेब में डाला है और भाई दोनों हाथों से पकड़ के मैंने इसको क्रॉस किया। हाँ भाई कर लिया क्रॉस, पहुंच गए हो? भाई मैं तो नहीं, इधर से वापस जाने का दूसरा रास्ता है, नहीं इधर से ही जाना पड़ेगा, नहीं यार मेरे से नहीं वापस जाना
यार मैं कोई और रास्ता ढूंढता, अगर नहीं तो फिर मजबूरी में इधर से ही जाना पड़ेगा यार। इसका काम देखो, ये तस्वीर खिंचवाने के लिए ऊपर चढ़ा था और ये वापस आ गया। भाई क्यों नहीं गए आप? जाके मर भी सकते हैं, ठीक है? मैं नहीं जाता ऐसा, ठीक है? मुझे डर लगता है। जल्दी इसकी मेंटेनेंस होती है यार? इसमें क्या मेंटेनेंस है? नहीं ये कभी ये तो करते ना तभी तो टिकट देते। अच्छा, पांच पांच बंदों की इजाजत है, ये 10 दफा इनको कहो आंखों के नशे में डूब जाए। ये हमारे मुहाफिज हैं, ये मुझे थोड़ा गाइड कर रहे थे तो मैंने इनसे कहा चले हम वीडियो में थोड़ा सा गाइड कर दें। हमें रिजल्ट ये हो गया परसों कौन से रे रेम्बो ब्रिज जी, और इससे आगे आप जाएंगे तकरीबन 124 किलोमीटर जी गुजरात बॉर्डर आएगा, वो जरा थोड़ा हाइट है, उसमें थोड़ा अपना आपको भागना नहीं है। ठीक हो गया। अगर पानी शानी अपने साथ ले लो और सूखा जो हो पानी करने वो ले लो, आराम से अपना सफर तय करो। उधर हमारा दो टूरिस्ट गाड़ी है, आप उनसे हेल्प ले सकते हो। जो भी मसला हो गया हमारा टूरिस्ट पुलिस बाबू सर टॉप से लेके खुंजरा टॉप तक ऑन रोड है। ये आपके गाड़ी कोई खराब हो गया उसके बारे में आपको हेल्प वगैरह करेंगे, ताकि ये आपका सफर इस तरह बिल्कुल रोड क्लियर, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक हो गया, थोड़ा हाइट है, ठीक है, उसमें थोड़ी एहतियात की जरूरत। ओके हो गया अंकल जी, बहुत शुक्रिया अंकल जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह।